शिव की पूजन करते थे, जरासंध भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि पांडव शंकर की पूजन नहीं करते थे, पांडव भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि कौरव शिव की पूजन नहीं करते थे, कौरव भी शिव की पूजन करते थे। जबी तो भीम, जरासंध और दुर्योधन ये तीनों शंकर की आराधना करने गए, तीनों शिव तत्व को पाने के लिए गए। कितना बलवान, शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा, शिव पे जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा। इसके सिवाय ना अन्न खाना, ना फल खाना, ना कुछ प्राप्त करना। जरासंध, दुर्योधन और भीम तीनों मित्र थे प्रबल, बैठ गए शिव की आराधना में। शिव को जल चढ़ाते थे, आचमन करते थे, जल चढ़ाया, आचमन करा, ना फल खाना, ना कुछ अन्न खाना। ऐसे हजारों वर्ष निकाल दिए ने, यही करते करते कई वर्षों की तपस्या कर ली इन्हें, केवल शिवजी पे चढ़े हुए जल से। भीम से रहा नहीं गया, भीम ने कह दिया मुझे बहुत भूख लग रही है जरासंध, दुर्योधन मुझे भूख लग रही है। दुर्योधन कहने लगा तू तो बड़ा भूखा व्यक्ति है, तुझे बड़ी भूख लगती है, हम शंकर भगवान को चढ़ा हुआ केवल चरणामत लेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं लेंगे, तेरी मर्जी पड़े जहां चले जा। अब इन दोनों ने चरणामत लेना प्रारंभ करा, भीम उठे फल खाने चले गए, और इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुमको। जरासंध और दुर्योधन ने दोनों ने कहा हमको 20,000 हाथी का बल दे दीजिए। जरासंध और दुर्योधन करें 20,000 हाथी का बल दे दीजिए हमको, इतना प्रबल बल हमको चाहिए। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, दिया 20,000 हाथी का बल। अब इनको अभिमान आ गया, भीम के पास आए और आते से कहते हैं कितना भुखमरा है बताओ, हमको वर मिल गया और इसको कुछ नहीं मिला, खाने के चक्कर में रह गया। भीम ने केला फल सब छोड़ दिया, शंकर जी की आराधना करने चले गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, क्यों? शंकर भगवान को मालूम है ये इनसे ज्यादा चतुर है, ये वर मांगेगा, पर ये अगर मैंने दुर्योधन और जरासंध को 20,000 हाथी का बल दिया है तो शिवजी जानते हैं ये 40,000 से कम नहीं मांगेगा। बहुत विद्वत्ता होती है बड़े बेटे में और छोटे बेटे में, बहुत अंतर होता है। बड़ा लड़का कभी भी मम्मी पापा से इतना पैसा नहीं मांगता है कि पापा मुझे इतना देना, बस मांगेगा तो थोड़ा बहुत 5,000 दे दो, 500 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो। और छोटा इतना खोटा होता है ना, वो जब भी आएगा तो मम्मी के पास जाएगा, पापा के पास बात। बड़ा बाप को प्रिय, छोटा मां को प्रिय, तुरंत जाएगा। मम्मी क्या है, सारे स्कूल के लोग जा रहे हैं पिकनिक, मेरे को भी जाना है। ये ले, कितने रुपए ले जाना है? 5,000। ये ले, ये तो स्कूल में ही जमा हो जाएंगे। अब बड़ा बेटा इतना नहीं कह सकता था, मम्मी तो सब स्कूल में जमा हो जाएंगे, मुझको तो दो, इसी में से सब कर ले। नहीं, मेरे को तो अलग से चाहिए। मां ने निकाला, दे दिया। ये ले। फिर गया वो पापा के पास, पापा क्या हुआ, सब जा रहे हैं पिकनिक मनाने, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, नहीं जाएगा तू, सब ने जाना है, मेरे को भी जाना है। तब मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मत दो, मम्मी ने दे दिया। ठीक है, चले जा, मम्मी ने तो स्कूल में जमा करा था, 1 रुपया भी मेरी जेब में नहीं है। सब कहते हैं बाप इतना पैसे वाला, औलाद को देखो ऐसी दे रही,
और सारे दोस्त चाउमीन खाएंगे और मैं नहीं खाऊंगा, अच्छा लगेगा? पापा ने 200 रुपये, 200 ये 200 में तो दो दोस्त ही होंगे। फिर पिताजी ने 500 दिए, चल जाए यहां से। इतना होशियार भैया, भैया बोले क्या है भाई तेरे पास कुछ है क्या? क्यों क्या हो गया? मेरे सारे दोस्त पिकनिक करने जा रहे हैं भाई, प्लीज दे देना कुछ। छोटा भाई ने दे दिया। जी 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 बोली हाँ, तेरे पास कुछ है क्या? देना 200 रुपये दे दे। उसको मालूम इससे ज्यादा देगी भी नहीं, तो उसने 200 ही मांगा है। 200 से ज्यादा ही देने वाली है नहीं, 200 ही मांगा। और उसने भी कह दिया नहीं दूंगी, मेरे पास 200 रुपये है नहीं, तूने भी तो राखी पे मुझे 200 ही दिए थे, नहीं दूंगी। तो आप 50 ही दे रहे। वो हमारे यहाँ कहते हैं भागते भूत की लंगोटी काफी। तो उसने 50 ही दे दे, इन्हें 50 ही ले लिया, 50 ले लुआ के बस। अब शिवजी इसके सामने नहीं आए, भगवान शंकर भीम के सामने आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। शंकर भगवान को मालूम था ये बहुत चतुर है, एक बार मैं छुप गया था इस भीम से जाकर, पांडव जब केदारनाथ आए मैं जाकर छुप गया, ये मुझे पहचान गया। ना मुझे युधिष्ठिर पहचाना, ना मुझे अर्जुन पहचाना, ना नकुल ना सहदेव पहचाने, मैं नंदी के रूप में था। इसने इतनी चतुरता करी कि एक पर्वत पर पांव रखा, दूसरे पर्वत पर पांव रखा, और क्या कहे, सारे पशुओं को दौड़ाओ मेरे नीचे से, इधर से निकालो। सारे पशु निकल गए, शंकर भगवान के मैं नंदी के रूप में, इसके नीचे से तो नहीं निकलूंगा। शंकर भगवान गए नहीं, इसने पहचान किया। युधिष्ठिर ने कहा कहां भाग रहे हो भीम? भीम के मैं शंकर जी को पहचान गया, शंकर जी आगे और भीम पीछे नंदी बनकर। आखिरी में नहीं बना तो शंकर भगवान नंदी के रूप में गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही गुफा में घुसते नंदी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर कूद पड़ा भीम, और कूदा तो नंदी की जो पीठ का अग्रभाग था वो पकड़ाई में आ गया। शंकर भगवान सब अंदर, नंदी की अग्रभाग पीठ आज भी केदारनाथ जी में, वो पीठ जो भीम ने पकड़ी थी वो केदारेश्वर के रूप में विराजमान आज भी है। आज भगवान कहे नहीं जाऊंगा मैं, ये ज्यादा मांग लेगा, भगवान नहीं गए। आखिरी में जब शंकर भगवान नहीं गए तब पार्वती जी ने कहा तुम्हें जाना चाहिए कायदे से पूछने के लिए, जाओ जरा। पार्वती जी बोली, शिव जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा कुछ भी हो। नहीं जाए इनके पास जाएंगे, और सीधी सीधी बात है, सांप शेर और शराबी इनसे दूरी बनाकर रखोगे तो अच्छे रहोगे। कौन कौन जम के बोलो जरा, सांप शेर और शराबी, ये जहां से आ रहे हो इनको दूर से ही देख लो, तुरंत रास्ता चेंज कर दो। सांप सामने से आता दिखे जगह बदल दो, शेर आता दिखे जगह बदल दो, और कहीं का समझ जाओ। शराबी आता दिखे जगह चेंज कर दो, शराबी की आदत रहती है हमेशा छाट छाट के गाली देता, जो अच्छा व्यक्ति दिखेगा ना उसी को देना चालू करेगा। शराबी कभी शराब की दुकान पे गाली नहीं देता दिखेगा, तुम देखना, वो हमेशा बस कहीं अच्छा व्यक्ति दिखा और वो चालू हुआ, उन्हें देना चालू। तो ये दिखे तो अपना रास्ता बदल, इनसे मुंडा नहीं मिलाना अपने को, इनके सामने नहीं जाना। भगवान भी समझ गए ये भीम है, भीम पहचान जाता है थोड़ी देर में, और मांगेगा भी साधारण नहीं जाऊंगा इसके सामने। भगवान शिव नहीं गए, पार्वती जी की तपस्या में भीम लग गए, और जो माता पार्वती जी की तपस्या भीम ने करी, ऐसी तप साधना करी, माता पार्वती जाने लगी। शंकर भगवान बोले पार्वती कहाँ जा रही है? पार्वती जी बोली भीम तपस्या कर रहा है। शंकर भगवान बोले बिल्कुल मत जाना। पार्वती जी बोली जाना तो पड़ेगा, भीम ने तपस्या करी, लोग क्या कहेंगे, मैं माँ होकर उसके सामने ना जाऊं, मैं तो जाऊंगी। पार्वती सती ने मेरा कहना नहीं माना था, आखिरी में परेशान हो गई थी। पार्वती जी बोली वो सती थी, मैं पार्वती हूं, मैं जाऊंगी। पहुंच
मांगो भीम, तुम्हें क्या चाहिए? भीम ने कह दिया, अम्मा मैं तो आपका बेटा हूं, छोटा लड़का है, अभी छोटा है, देखना कितने आइडिया से मंगेगा। मां मैं तो आपका बेटा हूं, मांगो भीम क्या चाहिए। मां बस आप जान जाओ अपने बेटे की मन की बात। माता पार्वती जी ने ध्यान लगाकर शिव जी से पूछा, तुमने जरासंध और भीम को क्या दिया, जरासंध और दुर्योधन को क्या दिया था? 20,000 हाथी का बल। पार्वती जी बोली, भीम पुत्र मैं तुझे 40,000 हाथी का बल देती हूं। भीम बोले, मां मुझे नीची है, 500 में क्या होगा? छोटा बोला, छोटा पुत्र 500 में क्या होगा? मां मुझे नीची है, ये 40,000 हाथी का बल का मैं क्या करूंगा मां, बस आप कृपा करो। भीम कुछ तो मांग, मैं क्या दूं तुझको? उन दोनों को तो 20,000 हाथी का बल मिला, मैं तुझे 40,000 हाथी का दे रही हूं? नहीं मां, तू मेरे मन की दशा जान जा, तू मेरी मां है, तू माता पार्वती है, तू मुझे पहचान, तो मैं तेरा पुत्र हूं। शंकर भगवान ऊपर डमरू बजाने लगे, सुन नहीं मती। कई बार कथा चलती है और किसी को तकलीफ होती है तो डीजे की आवाज तेज कर देते हैं, डीजे की आवाज तेज कर दो, महाराज बोलता रहेगा, इनके सुनाई नहीं देगा। वो बचाए। अब शंकर जी ने डमरू बजाना चालू किया, जो भोलेनाथ ने डमरू खड़काया, पार्वती जी को भीम की आवाज सुनना बंद हो गई। पार्वती जी बोली, भीम मांग ले। भीम बोले, मां तुम मेरे हृदय की बात जानती हो। पार्वती जी बोली, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा कोई नगाड़ा बजा रहा है। भीम कह रहे, नगाड़ा नहीं, पिताजी डमरू बजा रहे हैं। उनको सब मालूम है कि ये कुछ मांग लेगा, इनने का बीच में गड़बड़ी कर दो। तुम देखना, जब तुम्हारा मन नाटक में लगा रहे, सीरियल में लगा रहे, किसी काम में लगा रहे, उस जगह पे तुम्हें कहीं ना कहीं का विघ्न करने वाला आई जाता है। तुम्हारा बस लास्ट सीन चल रहा और एकदम क्लियर, इतनी देर में पोता आ गया, रिमोट उठाया, उसने चैनल ही चेंज ले। अब तो तुम, अभी तक तो अम्मा थी, अब जगदम्बा हो गई तुरंत। क्या बताओ, मैं 5 मिनट बैठी और चिल्ला चोट करना, मैंने रिमोट उठाया और तू पहले आके बैठा, तेरे इतनी परेशान हो गई, आंध तेरे पापा को। इतने में इसने भी कह दिया, आंध मैं भी कह दूंगा, सियोर वाला महाराज की कथा सुनती रहती दिन भर। अब भीम ने जैसे ही बोलना चाला, भगवान नगाड़ा, जो डमरू बजाया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु क्या कर रहे? शंकर भगवान बोले, मुझे सती की याद आ रही है। पार्वती जी बोली, थोड़ा सा डमरू धीमा कर लो ना। थोड़ा धीमा करोगे तो हमें क्या करेगा? अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, 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 अरे धीमा बजाओ भोला नाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से, Thank you.
की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ डमरू, धीमा बजाओ डमरू, धीमा बजाओ डमरू, धीमा बजाओ डमरू, धीमा बजाओ, हर हर महा। अपने स्थान पर बैठकर भाव से आज एकादशी भाव के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करेंगे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। महाराज भगवान शिव ने डमरू बजाया, पार्वती जी उसको धीमा करवाती, फिर बोली पार्वती जी मां को, भीम कहता है माँ आप मेरे हृदय की दशा को जानती हो, आप पहचानो मुझे क्या चाहिए। माता पार्वती जी ने सरस्वती देवी को बुलाया, सरस्वती बताओ भीम को क्या चाहिए। सरस्वती ने भीम के हृदय में प्रवेश करा और भीम के हृदय की बात माता पार्वती जी को बता दी, माँ इनको क्या चाहिए। पार्वती जी ने उसी समय कह दिया, भीम मैं जान गई तुझे क्या चाहिए, मैं वर देती हूं भीम तुझे, जरासन और दुर्योधन मरेंगे तो तेरे हाथ से मरेंगे। भीम ने कह दिया बस मां अब कुछ नहीं चाहिए, हो गया कल। इतने बड़े बड़े योद्धा थे अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव जैसे, पर जरासन और दुर्योधन मरे तो भीम के हाथ से मरे, ये प्रसाद का बल है।